हेलो माइटो फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरा नाम विराज। गाइज, यूट्यूब का एक बहुत बड़ा अपडेट आ गया है और इस अपडेट का फायदा आप लोगों को बहुत ज्यादा होने वाला है। अगर आपकी वीडियोस पर व्यूज नहीं आता तो इस अपडेट के बाद से जब आपके चैनल पर ये अपडेट रोल आउट हो जाएगा और वो सेटिंग जब आपके चैनल पर अनेबल हो जाएगी तो उसकी मदद से आप अपनी वीडियोज पर व्यूज को काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। अब वो अपडेट क्या है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। गाइज, हम क्या करते हैं, जब अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं तो उसके लिए हम वीडियो अपलोड करेंगे और टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखते हैं और हमें उसके बाद हमें लगाना पड़ता है थंबनेल अपनी वीडियो पर। और जब हम वीडियो पर थंबनेल लगाते हैं तो हम बार बार चेक करते हैं हमारी वीडियोस पर व्यूज कितने आ रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है थंबनेल का मतलब क्या होता है। CTR, CTR का मतलब ये होता है कि आपकी वीडियो को थंबनेल देखकर ही कोई सामने वाला व्यूअर आपकी वीडियो पर क्लिक करता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग थंबनेल तो बनाते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है कि उनका थंबनेल कैसा है कैसा नहीं है, जिसकी वजह से उनकी वीडियोस पर व्यूज भी नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर यूट्यूब आपको खुद सजेस्ट करेगा कि इस तरीके का थंबनेल बनाते हो तो आपकी वीडियोस पर भर भर के व्यूज आएगा। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यूट्यूब का जो अपडेट है वो ये अपडेट है कि एक वीडियो पर आप 3 थंबनेल को लगा सकते हो। हाँ गाइज, ये बात सच है। अब आप लोगों के दिमाग में होगा कि अगर हम एक वीडियो पर 3 थंबनेल लगाते हैं तो हमारी वीडियो जो है हमारे व्यूवर के पास जाएगी तो वो क्या तीनों थंबनेल उनको शो होगा या नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वो शो नहीं होगा। आप जब वीडियो अपलोड करते हो उसके जब आपकी वीडियो अपलोड हो जाती है और वहां पर जब आप थंबनेल लगाने का ऑप्शन आता है उस पर जब क्लिक करोगे तो वहां पर एक ऑप्शन आएगा टेस्ट एंड कंपेयर्स का। आप जैसे ही उस पर क्लिक करते हो तो वहां पर आपको 3 थंबनेल लगने का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि मैं यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोग 3 थंबनेल बना के अपने पास रखे हो तो उसके बाद आपको मतलब हो सकता है 10 घंटे बाद या 12 घंटे या 24 घंटे के बाद YouTube आपको सजेस्ट करेगा और उसकी रैंकिंग दिखाएगा थंबनेल की कि यहाँ पर अगर ये थंबनेल अगर आप लगाते हो टॉप नंबर 1 पर जो थंबनेल तीनों में से एक आएगा उसको अगर आप लगाते हो तो आपकी वीडियोस पर व्यूज ज्यादा आएगा। तो इस तरीके का आपको लगाना है थंबनेल, जिससे आपकी वीडियो YouTube फिर ज्यादा लोगों तक सजेस्ट करेगा और ज्यादा लोगों तक आपकी वीडियो को पहुंचाएगा, जिसके वजह से आपकी वीडियो पर क्लिक आएगा थंबनेल को देखकर। और जब थंबनेल को देखकर क्लिक आएगा तो आपकी वीडियोस पर व्यूज को इंक्रीज होना काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर ये जो अपडेट है ये कब से मिलने वाला, तो मैं आप लोगों को बता दूं 1000 से ज्यादा जो चैनल है वो टेस्टिंग के लिए गया हुआ है। यहाँ पर ये थंबनेल से रिलेटेड ही सारे चैनल पर टेस्टिंग हो रहा है, जो कि यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन है टेस्ट एंड कंपेयर का, इस पे ही थंबनेल अपलोड करके देखा जाएगा। अगर ये अपडेट सही हो गया चैनल पर सबके, मतलब ये 1000 चैनल को मिल चुका है और उन पर वर्किंग भी हो रहा है, उसके बाद आप सबको ये कब तक मिलेगा, हम सबको कब तक मिलेगा, तो ये जो इसका जो डेडलाइन दिया है वो दिया है 2024 तक ये सबके चैनल पर रोल आउट हो जाएगा। और उसके बाद आप भी अपनी एक वीडियो का 3 थंबनेल बनाकर 10 घंटे 12 घंटे 24 घंटे तक वेट कर सकते हैं। उसके बाद YouTube आपको सजेस्ट करेगा कि ये थंबनेल लगाओ। अगर आप लगाते हो तो जहां पर आपकी वीडियोस पर पहले व्यूज नहीं आते थे वो वहां पर ज्यादा से ज्यादा व्यूज लेकर आएगा, वो थंबनेल का काम रहेगा। और CTR का मतलब यही होता है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, आप वीडियो कितना भी अच्छा बना लो, कितने भी अच्छे तरीके से टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग लिख लो, अगर आपका थंबनेल अच्छा नहीं है तो आपकी वीडियोस पर व्यूज नहीं आएगा। और अगर आपका थंबनेल अच्छा है और वीडियो भी आपने अच्छी बना रखी है और टाइटल डिस्क्रिप्शन यानी कि SEO सही तरीके से करके रखा है तो किसी का बाप नहीं रोक सकता आपकी वीडियो को वायरल होने से। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो काम करता है ना वो करता है आपकी वीडियो का थंबनेल। आपको मैं बता दूं कई कई ऐसी वीडियोस है जहां पर सबसे ज्यादा जो है बहुत सारे लोग SEO करके डालते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी वीडियो को बिल्कुल भी SEO नहीं करते, बस टाइटल लिख देंगे वीडियो का, बाकी कुछ भी वो टैग्स नहीं लगाएंगे। उसके बाद कुछ ऐसी वीडियो हैं कि जिसके वजह से उनकी वीडियोस पर ना वो SEO करते हैं सही तरीके से, ना यहाँ पर टैग्स लगाते हैं, ना हैशटैग लगाते, कुछ नहीं लगाते हैं, बस अपनी वीडियो का टाइटल लिख देते हैं और लेकिन यहाँ पर वो थंबनेल कुछ ऐसा बना देंगे जिसकी वजह से उनको बिना SEO करे ही व्यूज मिलने लग जाता है काफी ज्यादा, और लाखों करोड़ों में व्यूज अचानक से उनकी वीडियोस पर आ जाता है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो सजेशन मैं आप लोगों को दूंगा कि थंबनेल आप बेटर तरीके से बनाने की अभी से प्रैक्टिस कर लो, अगर थंबनेल नहीं बनाना आता है तो, और अगर आता है तो आपको ये अपडेट जल्दी ही मिल जाएगा 2024 के शुरू में ही, और उसके बाद इस चीज का फायदा उठाकर आपकी वीडियोस पर व्यूज भर भर के आएंगे। व्यूज लेकर आना आपके हाथ में है, वो भी आपके थंबनेल के थ्रू। जब तक आपका CTR नहीं बढ़ेगा जब तक आपकी वीडियोस पर व्यूज नहीं आएगा। CTR का मतलब पता है, थंबनेल क्लिक थ्रू रेट। अगर आप क्लिक थ्रू रेट मतलब करना सीख गए, अपने थंबनेल पर लिखना सीख गए कि थंबनेल पर क्लिक बेट कैसे करें, अगर ये आपको आ गया तो आपकी वीडियोस पर व्यूज आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये अपडेट कैसा लगा मुझे बताना कमेंट करके, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना, जिससे आपको मेरी ऐसी जन वीडियो मिलती रहेगा। तो चलिए मैं अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं स्टूडियो में। ओके, बाय।